बीजेपी की अफलातून विधायक का एक और सनसनीखेज कारनामा। दिन दहाड़े लूट कर भाग गई पर्चियां, मुंह ताकते रहे अधिकारी। पहले सरकारी दफ्तर में जमकर की तोड़फोड़, फिर एक दरोगा को जूते से पीटने का कर दिया ऐलान, अब लूट का कारनामा। कानून को ताक पर रखकर एसडीएम को दिखाई हनक। बीजेपी विधायक होने का दिखाया रसूख, उठा ले गई सारे दस्तावेज। मुंह में बीड़ा दबाए और दीदों पर चश्मा चढ़ाए जो बैठे हैं वो उत्तर प्रदेश के तेजस्वी मुख्यमंत्री के अधिकारी हैं। वैसे अब तक तो इनका पारा चढ़ जाता, बस यही वाली हरकत कोई विपक्षी पार्टी का नेता, विधायक या सांसद कर देता, लेकिन पान के स्वाद में चूर अधिकारी बाबू चश्मे के पीछे से सब कुछ ताकते रह गए। ये जो गुलाबी साड़ी वाली मैडम अधिकारी के हाथ से पर्चा छीन रही है ना, और टेबल पर पड़ी फाइलों को समेट रही है, वो स्वच्छ भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नहीं है। हाँ, स्वच्छ भारत का नारा देने वाले मोदी जी की पार्टी के अति उत्साही विधायक जरूर हैं। नाम है मंजू त्यागी। तो अपने पुराने कारनामों की तर्ज पर नया कीर्तिमान लिखते हुए इस बार दिन दहाड़े अधिकारी के हाथ से परचाई छीन लिया और निकल ली। इस वीडियो को पत्रकार नरेंद्र प्रताप ने ट्वीट किया और दावा किया है कि लखीमपुर में सहकारी समिति के चुनाव में बीजेपी विधायक मंजू त्यागी नामांकन अधिकारी और एसडीएम से विपक्षी उम्मीदवारों के पर्चे लूटकर ले गईं। नामांकन अधिकारी और एसडीएम और पुलिस इस चीर हरण पर एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। लूट का लाइव वीडियो। मतलब चुनाव कोई भी हो, मैडम और इनकी पार्टी ने साबित कर दिया है कि घपला घोटाला करने से बाज नहीं आने वाले। खैर, बीजेपी विधायक मंजू त्यागी के तो क्या ही कहने। साल 2020 में इन्होंने धान केंद्र में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की थी। उससे पहले विधायक रहते हुए ही साल 2018 में इन्होंने इंस्पेक्टर को जूतों से मारने की बात कही थी। अब इतनी तेजस्वी विधायक हैं तो अपना ही रिकॉर्ड क्यों ना तोड़ें, तो इस बार चुनाव के दौरान ही पर्ची लूट का नया कीर्तिमान स्थापित किया है। स्पेशल रिपोर्ट द कंटा।